सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के छठे पाठ की स्टोरी करेंगे। इसके पाठ का नाम है चंद्रगुप्त का न्याय। इसमें आपके तकारांत पुल्लिंग के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। इससे पहली दो वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ और आपके इस पाठ का बुक वर्क भी आपको करा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी जरूर देख लीजिए। इस वाली वीडियो में हम अपने इस पाठ की स्टोरी करेंगे। आपके इस पाठ में नाटक खेला जा रहा है, उसके लिए जो स्थान है वह यहाँ पर बताया कि गांव के पास में जो गोचरण भूमि होती है वह स्थान है। वहाँ पर कुछ बालक राजा और प्रजा इस प्रकार के नाटक का अभिनय कर रहे हैं। एक बालक राजा, एक मंत्री, एक सैनिक और जो अन्य बालक है वह प्रजा बनते हैं। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, मंत्री और सैनिक उनके पास बैठते हैं। ग्रामीण अपनी याचना लेकर आता है कि दया करें महाराज, दया करें, न्याय करें। राजा उस ग्रामीण से पूछते हैं कि हे पुरुष, उन सबको क्या कष्ट है, किससे वह भयभीत है। ग्रामीण यहाँ पर बताता है, महाराज मैं नगर के धनिक का ऋणी हूँ, मेरे द्वारा नियमित रूप से उसके धन दिया जा रहा है, तब भी वह धनिक अधिक ब्याज मांग रहा है। राजा अपने सैनिक को कहता है कि हे सैनिक, उस नगर के धनिक को लाओ। जब राजा सैनिक को कहता है कि उस नगर के धनिक को लाओ तो सैनिक कहते हैं, जैसी आज्ञा महाराज। जाकर वह नगर के धनिक के साथ आ जाते हैं। महाराज से कहते हैं, महाराज यह है नगर का धनिक आपके सामने उपस्थित है। राजा उससे पूछते हैं कि हे धनिक, तुम कैसे इन ग्रामीणों को सता रहे हो, कैसे अधिक इनसे ब्याज मांग रहे हो। नगर का धनिक कहता है, नहीं नहीं महाराज, बहुत समय से अब तक इन्होंने ब्याज नहीं दिया है। एक ग्रामीण कहता है, कैसे नहीं दिया, परसों ही तुम्हारे पुत्र के लिए मैंने 20 मुद्राएं दी थी, अब कुछ भी शेष नहीं है। राजा उस धनिक से पूछते हैं कि हे धनिक, क्या यह सत्य है। नगर का धनिक कहता है कि महाराज सत्य है, किंतु कहते ही वह रुक जाता है। राजा पूछता है, किंतु क्या, अब तुम अधिक धन मांगने के आरोप में कारागार यानी कि जेल में डाले जाओगे। नगर धनिक कहता है, क्षमा करे महाराज, क्षमा करे, मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, केवल एक बार क्षमा करे। राजा उसको कहता है कि तुम्हारे द्वारा अपराध किया गया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा, कोषागार में 50 मुद्राएं दंड के रूप में दो। नगर का धनिक कहता है, दूंगा महाराज, माफ करे आप। तभी दो महिलाएं प्रवेश करती है, एक की गोद में एक शिशु होता है। पहली महिला कहती है, महाराज न्याय करें, यह मेरी सेविका मेरे पुत्र को अपना पुत्र बता रही है और यह मुझे इसको नहीं दे रही। राजा कहता है, सब घटना स्पष्ट रूप से कहो। पहली महिला कहती है कि महाराज यह सेविका मेरे पुत्र की दाई माँ है, उसका पालन पोषण करते हुए इसको 1 वर्ष हो गया है, पुत्र भी इसके साथ आत्मीयता अनुभव कर रहा है, इस प्रकार यह मेरे पुत्र को अपना पुत्र कहकर मुझे नहीं लौटा रही। दूसरी महिला कहती है, नहीं नहीं महाराज, यह मेरा ही पुत्र है, आप देख लो यह कैसे सुखपूर्वक मेरी गोद में बैठा हुआ है, एक बार भी नहीं रो रहा। राजा कुछ सोचते हुए क्या करना चाहिए इस प्रकार मंत्री को कहता है कि हे मंत्री, इस शिशु के यानी कि इस बालक के 2 टुकड़े करके दोनों को सौंप दो। राजा की आज्ञा से मंत्री कहता है कि जैसी आज्ञा महाराज। पहली महिला कहती है, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए, वह उसके पुत्र की रक्षा करे, मैं उसके लिए ही अपने पुत्र को समर्पित करती हूँ, लेकिन इसके 2 टुकड़े करने की आज्ञा मैं आपको नहीं दे सकती। दूसरी महिला कहती है, सुना महाराज, यह मेरा ही पुत्र है, इसलिए मैं ही इस पुत्र की रक्षा करूंगी। राजा मंत्री की ओर कहते हैं कि हे मंत्री, यह पहली महिला ही पुत्र की माता है, पुत्र उसको दे दिया जाए और दूसरी महिला को जेल में डाल दिया जाए। मंत्री कहते हैं, जैसी आज्ञा स्वामी वैसा ही करते हैं। उनके चले जाने के बाद चाणक्य यह दृश्य देखकर उनके पास आ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हे राजन, आपका क्या नाम है। राजा बताते हैं, चंद्रगुप्त माता इसी नाम से संबोधित करती है।
चाणक्य राजा को कहते हैं कि आपके निर्णय कौशल से मैं प्रभावित हुआ और आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? चंद्रगुप्त यहाँ पर कहता है मैं नहीं जानता। चाणक्य कहते हैं कि मैं राजनीति का प्रवक्ता चाणक्य हूँ, आप मगध देश के भावी राजा होंगे, ऐसा वह तर्क देते हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं अरे आचार्य चाणक्य, आपके शिष्य के रूप में स्वीकार करके मैं धन्य हो गया। आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता है। चाणक्य कहते हैं दीर्घायु हो, आओ मेरे साथ गुरुकुल चलो। चंद्रगुप्त कहते हैं जैसी आज्ञा। आचार्य दोनों चले जाते हैं। सभी मिलकर कहते हैं धन्य है आचार्य चाणक्य जो राजनीति के विद्वान है, और धन्य है चंद्रगुप्त जो उनको शिष्यत्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह आपके पाठ की स्टोरी है। आप इसको एक बार दोबारा सुनेंगे तो यह आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी और आपको आपका पाठ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।